नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। नाउ इंडिया का आज यूनियन बजट घोषित किया गया लगभग 44.90 लाख करोड़ रुपए का। देखो अभी इसके ऊपर मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि किस सेक्टर को ज़्यादा पैसे दिए गए, जैसे साइंस और रिसर्च को, या फिर इसरो को कितना बजट मिला, या फिर एजुकेशन को कितना बजट मिला, इसके अलावा कितना आर्मी का बजट होगा, डिफेंस बजट क्या होगा, ये सब अभी बाद में हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो लाएंगे। फिलहाल के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो ग्रांट्स और लोन देती है कोई कंट्री, कोई बड़ी कंट्री ही देती है, पाकिस्तान जैसी कंट्री तो दे नहीं सकती है, तो कोई बड़ी कंट्री जिसकी GDP बड़ी है वो देती है दूसरे देशों को, तो उसमें इंडिया ने ऐसे ऐसे देशों का नाम मेंशन कर रखा है जिनसे प्रेजेंट टाइम में हमारे रिलेशन देखने में तो यूं ही लग रहे हैं कि खराब है, बट इंडियन गवर्नमेंट ने उनके लिए ग्रांट्स इतने ज्यादा घोषित किए हैं अपने बजट में कि आप देखकर हिल जाएंगे। अफगानिस्तान के लिए इंडिया ने 220 करोड़ का ग्रांट्स घोषित किया है, बांग्लादेश के लिए 130 करोड़ का, भूटान के लिए 2398.97 करोड़ यानी 2399 करोड़ के आसपास का ग्रांट घोषित किया है, वही नेपाल के लिए 650 करोड़ का। अब इसमें जो कंट्रोवर्सियल नेम है वो है मालदीव का, मालदीव के लिए अप्रोक्सीमेटली 771 करोड़ रुपए का ग्रांट घोषित किया गया है। आप अगर एक्चुअल फिगर जानना चाहते हो तो वो है 770.90 करोड़। मंगोलिया के लिए इंडिया ने 5 करोड़ का ग्रांट घोषित किया है, मॉरिशस के लिए 330, सेशल्स के लिए 9.91 और म्यांमार के लिए 370 करोड़, और चाबहार पोर्ट जो ईरान का है उसके लिए स्पेशली ग्रांट घोषित किया गया है 100 करोड़ का। आप ये पूरी लिस्ट है आप उसमें देख सकते हो। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि मालदीव को इतना ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं थी, लगभग में 771 करोड़ रुपए इंडिया ने दिया है, इसकी जगह पे इंडिया को लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को और अफ्रीकन कंट्रीज को दे देना चाहिए था, इंडिया को मालदीव के लिए इतनी ज्यादा ग्रांट्स घोषित करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि एक बात क्लियर है कि ये विजनरी आइडिया है इंडियन गवर्नमेंट का। जो मालदीव के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है मिर्जू, वो बहुत ज्यादा दिन तक प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे मालदीव के, और जैसे ही वो पावर से जाएंगे इंडिया और मालदीव के रिलेशन पहले जैसे ही हो जाएंगे। लगातार उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो इंडिया से फॉर्मल अपोलॉजी मांगे, नरेंद्र मोदी से फॉर्मल अपोलॉजी करें, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि रिपब्लिक डे पे उन्होंने इंडिया को बहुत ही अच्छे से विश किया था, रिपब्लिक डे इंडिया का पैराग्राफ लिखा था, कहा था कि हमारे और आपके रिलेशन हिस्टोरिकली बहुत मजबूत रहे हैं, कल्चरली हम एक दूसरे से इन्वॉल्व हैं, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा लिपापोती करने की कोशिश की थी। फिलहाल के लिए इंडिया ने उनके लिए बहुत ज्यादा ग्रांट्स लोन जो है वो घोषित किए हैं। वैसे इंडिया को एक 100 करोड़ तो कम से कम UK के लिए कर ही देना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को वो वाली वीडियो तो याद ही होगी जिसमें पैट्रिक नाम का एक जर्नलिस्ट था, जिसमें इंडिया ने सफलतापूर्वक चंद्रयान लॉन्च कर दिया था, उसके बाद में वो कह रहा था कि इंडिया को हमने बहुत सारे ग्रांट्स दिए हैं, अब इंडिया इतना सक्षम हो गया उसको हमारे ग्रांट्स वापस कर देने चाहिए।